नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। पकौड़े हम अक्सर घर में बनाते ही रहते हैं, बारिश हो या ठंड है तो पकौड़े खाने का मन करता ही है। और पकौड़े ऐसी चीज़ है कि फटाफट बन जाते हैं। कोई मेहमान आ जाए, पकौड़े बना लीजिए, झट से पकौड़े बन जाएंगे। और ये पकौड़े हम कई सारी चीज़ों के बनाते हैं, जैसे आलू के पकौड़े, बैंगन के पकौड़े, पनीर के पकौड़े और फूल गोभी के पकौड़े। तो जो भी अवेलेबल है पकौड़े बना लेते हैं। आज हम फूल गोभी के पकौड़े बनाएंगे, तो आइए देखें गोभी के पकौड़े बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये हमने 1 कप बेसन लिया है और 300 ग्राम का फूल गोभी लेकर के उसको फ्लोरेट कर लिया है और अच्छे तरीके से धो करके निकाल लिया है। आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो हमने कद्दूकस कर लिया है, या 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट ले लेंगे। 2 हरी मिर्च हमने बारीक काट लिए हैं और 1 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। हरा धनिया ना हो तो धनिया पाउडर भी डाला जा सकता है और कसूरी मेथी भी डाली जा सकती है। तेल पकौड़े तलने के लिए। तो गोभी के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल बना करके तैयार करेंगे। बेसन में थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे गुठलियाँ ख़त्म होने तक घोलेंगे। बेसन में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, इससे एक तो हमारा घोल पतला नहीं होगा और दूसरा गुठलियाँ जल्दी से ख़त्म हो जाएंगी। अभी घोल गाढ़ा है, और हम बेसन के घोल को पूरे 4-5 मिनट तक इसी तरीके से फेंटेंगे, बिल्कुल घोल अच्छे से फ्लफी दिखाई देने लगे और घोल की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की पोरिंग कंसिस्टेंसी है। घोल को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना। और इतना बेसन का घोल बनाने में 1/2 कप से बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। इधर हम तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। बेसन हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया। अब हम इसमें मसाले मिलाते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च और नमक। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा तेल खाने से परहेज नहीं करते तो इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल दें, उससे पकौड़े और ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। बेसन का घोल हमारा तैयार है और अब हम तेल चेक कर लेते हैं कि तेल गर्म है कि नहीं। तो ज़रा सा बैटर 1 ड्रॉप हम बेसन के घोल में डालेंगे। बेसन सिक रहा है और तैर करके ऊपर आ गया, तेल गरम हो गया है। तो अब हम पकौड़े बनाना शुरू करें। जो हमने गोभी को फ्लोरेट करके रखा है, एक एक टुकड़ा उठाएंगे और बेसन में डिप करेंगे और तेल में डालेंगे। यह 4-6 टुकड़े हमने बेसन में डाल लिए और अब हम इन्हें अच्छे तरीके से बेसन को लपेट कर और तेल में डालेंगे। और मीडियम आग पर गोभी के पकौड़े अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। पकौड़ों को हम पलट देंगे।
पकौड़े अच्छे ब्राउन हो गए हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और ये बचे हुए गोभी भी उसी तरीके से बेसन में डिप करके डालेंगे। इन्हें भी निकाल लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं। गर्मा गर्म क्रिस्पी गोभी के पकौड़े तैयार हैं। गोभी के पकौड़े को टमाटो सॉस, हरे धनिए की चटनी के साथ परोसिए। आप गोभी के पकौड़े बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।